गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। सो गाइस, आज हम जाने वाले हैं फिल्म सिटी। अभी का सीन है कि हम सब लोग तैयार हो गए हैं और अब बस हम निकलने की तैयारी कर रहे हैं। हम लोगों ने नाश्ता भी कर लिया है और अब हम निकलने वाले हैं। तो मैं आज जो भी करूँगा वो मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा। अगर आपने अभी तक मेरा डे वन और डे टू का ब्लॉग नहीं देखा है तो मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा और आप ज़रूर देख लेना। थैंक यू। तो चलिए मिलते हैं। स्टार्ट द जर्नी। सो गाइज, अभी हम लोग आ गए हैं जहाँ पर शूटिंग होता है। हम फिल्म सिटी में नहीं गए हैं क्योंकि वहाँ पर कोई होता ही नहीं है। वो हम लोग, अरे उन लोगों ने हमें बताया कि अंदर सिर्फ कुछ देखने लायक होगा ही नहीं, सिर्फ प्लेस ही होगी। पर हम यहाँ ऐसी जगह पर आए हैं जहाँ पर बहुत सारे मतलब शो भी की शूटिंग हो जाती है और ऐसे ही कुछ। आप यहाँ पर होता क्या है कि जहाँ शूटिंग होती है वहाँ पर ब्लॉक मतलब कैमरा अलाउड ही नहीं है, तो फिर मैं नहीं शूट कर सकता। लेकिन कर पाऊँगा तो मैं ज़रूर करूँगा और आप लोगों को दिखाऊँगा। तो आप देख सकते हो मैं कैसी जगह पर हूँ। रुको, मैं दिखाता हूँ। देख सकते हो यहाँ पर स्पेशल शूटिंग ही होती है। हम एक शूटिंग देख के आए पर वहाँ पर कैमरा अलाउड नहीं था, इसलिए मैं नहीं ले पा गया। आगे होगा तो मैं आप लोगों को जरूर दिखाऊंगा। तो गाइस, अभी हम हैं मर्ड आइलैंड में और अब हम यहाँ इस गलियों में चक्कर खा रहे हैं, आटा फिरा और आशीर्वाद कर रहे हैं। हम ये भैया हैं, हमने अरे उन्होंने हमको बहुत सारी जगह बताई है, बहुत सारे फिल्म स्टार के वो शूटिंग बताए हैं। पर वहाँ होता क्या है कि हम वहाँ पर शूट चल रहा होता है तो फ़ोन अलाउड नहीं करते, सो नहीं व्लॉग शूट कर पाता हूँ। तो जितना हो सकेगा मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा। गाइज, ये बंगला हेरा फेरी जो मूवी थी उसमें यूज़ किया गया था। अभी यहाँ पर एक शूटिंग हो रही है, मैं ट्राई करता हूँ कि वीडियो उतार सकता हूँ। देखिए अभी शूटिंग मत। गेटवे ऑफ इंडिया। तो गाइज सॉरी, मैं फिल्म सिटी में कुछ मतलब क्या शूट नहीं कर पाया, लेकिन अब हम आ गए हैं इधर गेटवे ऑफ इंडिया। आप देख सकते हो बहुत ही भीड़ है यहाँ पे। हम लोगों ने फोटो भी पढ़ा लिया और उसके सामने ताज होटल। सो हम लोगों ने यहाँ पे बहुत सारे फोटो भी खिंचवा लिए हैं और अब हम यहाँ पे थोड़ी देर फोटो खिंचवाएंगे। अभी शाम होने आई है तो फिर थोड़ी देर रहेंगे, तो फिर उसके बाद हम जाएंगे सीधे होटल में। और बीच में कोई प्लान होगा तो मैं ज़रूर आप लोगों को शूट करके दिखा दूँगा। वो वहाँ जो शूटिंग चल रही, जो मतलब कि शूटिंग वाली जगह थी, वहाँ से यहाँ पर आने तक की बहुत देर हो गई, 50 किलोमीटर जैसा इतना था। और फिर यहाँ पे आए तब शाम होने लगी। तो आज कुछ इतना कुछ घूम नहीं सके तो भी घूमे हैं, इतना आनंद है। और फिर बस और कुछ नहीं। लोगों को भी ऐसा लगेगा कि अब मैं इधर ही आ गया हूँ, गेटवे ऑफ इंडिया और ताज होटल के सामने, भले ही क्यों ना आप नहीं आए हो। तो भी अभी देखो, अभी अभी ये लाइट शुरू हुई है ताज होटल की, आप देख सकते हो। गाइस, हम लोगों ने बहुत सारे फोटो पढ़ा लिए हैं और यहाँ से अब हम जाने वाले हैं जुहू।
और बीच में कोई ऐसा कोई प्लान नहीं, और ऐसा कुछ भी होगा तो मैं आप लोगों को दिखा दूंगा। ओके तो गाइज, अभी अभी जस्ट नाउ हम लोग आ गए हमारी होटल में, तो बस अब थोड़ी देर यहाँ पर हम रेस्ट करने वाले हैं और उसके बाद हम जाने वाले हैं जू पे डिनर करने के लिए। यहाँ मुंबई में आए हैं तो जू का ही खाना चाहिए। क्या अहमदाबाद में तो क्या ऐसा नहीं मिलता है जू जैसा अच्छा फूड, तो अब वहाँ पर जाने वाला है। बीच में कुछ दिखाने लायक होगा तो मैं ज़रूर दिखाऊंगा। ओके तो मिलते हैं सीधा जू जाके। गाइस अभी हम लोग जू में आ गए, पर आप देख सकते हो पूरा जू बंद है, पता नहीं क्यों। हम तो यहाँ पे बहुत सारी आशा लेकर आए थे पर अभी तो पूरा जू बंद हो गया है। अब पता नहीं हम लोग क्या करेंगे, कोई दूसरी होटल में खाना पड़ेगा। हम लोगों को लगा कि आज खा लेंगे पर यहाँ तो सब कुछ बंद है, तो क्या आप दूसरी होटल में जाना पड़ेगा। कुछ नहीं, जो भी होगा मैं आप लोगों को दिखाता रहूँगा। तो गाइज आप लोगों ने देखा कि जू तो बंद है, तो अभी हम आ गए इधर के फेमस होटल में, शिव सागर में। शिव सागर ही है तो वहाँ पर आ गए हैं। मैं दिखाता हूँ इसका लोकेशन कहाँ पर। रमाडा के सामने फ्री प्रमोशन हो रहा है। कोई प्रमोशन नहीं हो रहा है, रुको मैं दिखाता हूँ। आप देख सकते हो बहुत ही भीड़ है और ये हमारी पब्लिक है। गाइस मिलता है डिनर करने के बाद। सो गाइस अभी हम लोगों ने खा लिया है और अब हम सीधा जाने वाले हैं होटल में। और हम लोग पहले खाने वाले थे जू में, पर वहाँ पर क्या करें अब बंद था तो यहाँ पर आके खाना पड़ा। पर यहाँ का भी फूड बहुत ही अच्छा है, आप ज़रूर ट्राई कर सकते हो। तो सीधा मिलते हैं होटल में। गाइज अभी हम आ गए होटल में और हमने खा लिया है और आज के बजे, अभी रात के बजे है 11:30, तो अब हम लोगों ने सोचा कि थोड़ी देर चल ले, तो बस अभी हम चल ही रहे हैं, तो मिलते हैं सीधे रूम में जाके। तो गाइस फाइनली हम आ गए हमारे होटल के रूम में और फाइनली डे थ्री कंप्लीट हो गया है। और हम आज आप लोगों को मज़ा आ गया होगा आज व्लॉग, मतलब कि बराबर ही बना है, कोई शॉर्ट नहीं बना है, लॉन्ग भी नहीं बना है। कल का व्लॉग बहुत लॉन्ग बन गया था, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आज का व्लॉग कैसा लगा। कमेंट करके मत भूलना, आप कमेंट करते हो तो मुझे बहुत अच्छा लगता है, थैंक यू। और आज हमारे 200 सब्सक्राइबर पूरे हो गए, तो कीप सपोर्टिंग गाइस, थैंक यू। सो आज यहीं तक ही रखते हैं, कल मिलते हैं।